Good morning everyone. Today we will be completed word meanings and question answers of chapter lab. I had a little pony. So let's start. First we will do word meaning. First word meaning is donkey. Donkey means gada. Second is balloon. Balloon means parharya brahman. Third is lady. Lady means mahila. Fourth is lent. Lent means vrat ya phir upvas. Fifth is lash. Lash means zor se marna. Sixth is mire. Mire means kichad. And seventh is hire. Hire means cry. Clear? Donkey, gada, balu, prahar, lady, mahila, lent, vrat, lash, zor se marna, mire, kichad, hire, cry. Clear? Now move on question answer. फर्स्ट क्वेश्चन इज अनदर वर्ड फॉर बैलूप इज डैश. इस जो चैप्टर में बैलूप के लिए वर्ड और यूज किया गया वो क्या है. फर्स्ट इज दिस. सेकेंड क्या इसी का वुड द चाइल्ड हिट द डोंकी. क्या चाइल्ड ने डोंकी को मारा था. आंसर इज अनदर वर्ड बैलूप के लिए क्या यूज किया बैश BASH. क्लियर. वुड द चाइल्ड हिट द डोंकी. आंसर है नो. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट वुड द चाइल्ड गिव द डोंकी. बच्चे ने डोंकी को क्या दिया. आंसर इज द चाइल्ड वुड गिव सम कॉर्न टू द डोंकी. क्या दिया बच्चे ने सम कॉर्न दिए. क्लियर. किसको डोंकी. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज पोनी. पोनी क्या है. आंसर इज अ पोनी इज अ बेबी हॉर्स. क्लियर. व्हाट इज पोनी. पोनी इज अ बेबी हॉर्स. नेक्स्ट इज व्हाट डिड द लेडी डू टू द पोनी. यानी कि लेडी ने पोनी के साथ क्या किया. आंसर है और ये इसमें ऑब्जेक्टिव है वो MCQs हैं ये. क्लियर. फर्स्ट शी टुक केयर ऑफ द पोनी. शी बैफर एंड लैश नेम. शी टोल्ड सोल्ड द पोनी. क्लियर. आंसर इज बी. शी बैफर एंड लैश हिम. लेडी ने पोनी के साथ क्या किया. वाइपर एंड लेशर हिम. नेक्स्ट इज व्हाट डिड द चाइल्ड डिसाइड टू डू. बच्चे ने क्या डिसाइड किया था वो क्या करेगा. आपके ऑप्शंस हैं ये. क्लियर. टू लैंड द पोनी अगेन टू द लेडी. टू नेवर लैंड द पोनी टू द लेडी अगेन. टू गिव द पोनी टू द लेडी. आंसर इज बी. क्लियर. क्या है. टू नेवर लेंड द पोनी टू द लेडी अगेन. कि वो कभी भी वो पोनी को दोबारा नहीं देगा. किसको. लेडी को. क्लियर. चैप्टर इज कंप्लीट नाउ सो यू कैन लर्न इट. थैंक यू.